ये रोशनी होगा ना यहाँ पर जो ये जगह है। रानी हटो, यहाँ से मुझे लेफ्ट जाना है। You can't buy happiness, but you can buy a motorcycle, and that's basically the same thing. तो हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जाने वाले हैं एक्सपल्स 200T का यहाँ पर एक विंडशील्ड लगाने के लिए। एक्चुअली मैं जाकर देखने वाला हूँ हीरो का जो ऑथराइज्ड हीरो शोरूम है यहाँ कटक में, वहाँ पर ये मिलता है कि नहीं। सो लेट्स गो देयर। अरे ऑन हो जी, जाओ जी। थोड़ा विंडशील्ड लगेबी एडवेंचर एडिशन ने सेटा लाइक करियो। हां सेटा पर लगेबो हबो जी। हीरो शोरूम जाओ जीबा एबे कोन जा पूरा यार हार्ड पूरा चेन का जतन। हां चेन आगे तो जीवो। एनीवे गाइस, तो नाउ आई एम गोइंग फॉर द सर्विस सेंटर हीरो शोरूम, जहाँ पर हम इसका सर्विस करते थे गाड़ी का। अभी कटक में हूँ तो कटक में ही सर्विस करना पड़ेगा। इस गाड़ी का जो पिकअप है बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसको थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ता है। अदरवाइज इट्स नॉट सो इजी टू हैंडल दिस बाइक। ये मेडिकल एरिया है, SCV मेडिकल एरिया, तो उसी एरिया को देके जाना ही पड़ेगा। और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं यहाँ से जाने के लिए। बहुत ट्रैफिक जाम होता है, एक्सट्रीम लेवल का ट्रैफिक जाम होता है यहाँ पर। देखो यहाँ पर शुरू हो गया। ये जो होटल वगैरह है ये रोड के ऊपर चले आते हैं, तो इस वजह से थोड़ा यहाँ पर ट्रैफिक होता है। एक्चुअली इस पर जो विंडशील्ड लगेगा उसका कॉस्ट मैंने देखा है 400 रुपीज़ के आसपास आता है, जो कि हीरो शोरूम के अंदर मिलता है। ज़्यादातर बाहर के लोग इसको रखते नहीं है। देखते हैं यहाँ कटक में मिलता है कि नहीं, वरना आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करना पड़ेगा, उनका चार्ज थोड़ा ज़्यादा दे सकता है। तो इस वजह से मैं वहाँ पर इंस्टॉल नहीं कर रहा था। खैर मुझे फिर भी डाउट लगता है कि यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गाड़ी बहुत कम मैन्युफैक्चर होता है और बहुत कम लोगों के पास आप ये गाड़ी पाओगे। बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोग एक्सपल्स 200 को ही पसंद करते हैं। इसका गियर शिफ्टिंग पूरा स्मूथ हो गया है। ये इतना बड़ा गाड़ी को इस ट्रैफिक में लेके जाना बहुत दिक्कत की बात है, इतना ईजी नहीं है इसको इतना बड़ा ट्रैफिक में चलाना। इसका जो मिरर वगैरह है वो बहुत वाइड है ना, तो इसको इस यहाँ पर कंट्रोल करना उतना आसान नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए क्या, किसी के लिए उतना आसान नहीं रहेगा। इस गाड़ी में मैं डिक्की लगाऊंगा या नहीं, क्या लगाऊंगा मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये जो गाड़ी है एक तो ऊँचा है, ऊपर से अगर हम इसको कंट्रोल करेंगे तो थोड़ा इधर उधर हो गया मतलब ख़त्म कहानी, एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये रास्ता नया बन गया होगा शायद। दिस लोकेशन नेम इज रानी हाटो। और यहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह जब फंस जाते हैं तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, लोग उनको साइड देते हैं, ये सब चीज़ यहाँ पर चलता रहता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ होता है इस जगह पर। ऐसे एक्चुअली ये गाड़ी सिटी के अंदर चलाने में ठीक नहीं है, कटक की बात कर रहा हूँ। दूसरे सिटी में अनुगुल में तो बहुत अच्छे से चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कटक में चलाना बहुत प्रॉब्लम है इस गाड़ी को। यहाँ से मुझे लेफ्ट जाना है। अब इस केनाल को ये लोग स्लैब देके बंद कर रहे हैं। विंडशील्ड वगैरह ये गाड़ी थोड़ा मतलब जैसे बिना सर के आदमी इस तरह से कुछ दिख रहा है। यही तो हीरो शोरूम है। विंडशील्ड लगी हो? ओके, दिस इज द सर्विस सेंटर एरिया, तो पूछ लेते हैं विंडशील्ड इनके पास है कि नहीं, फिर आगे का कार्रवाई शुरू करेंगे। अभी पार्ट्स आने का वेट कर रहे हैं कि नहीं उनको पता नहीं, वो थोड़ा देख रहे हैं। देखते हैं, यहाँ पर तो ज़्यादातर कंप्यूटर सेगमेंट का गाड़ी ही आता है। सो गाइज, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसी के ऊपर सवाल पूछा है कि वो गाड़ी के सामने जो लगा है वाइजर मैंने लगाया है वो कहाँ से मिला मुझे। एक्चुअली वो जो चीज़ है वो मैंने यहाँ कटक में सर्च किया था पहले, लेकिन कटक में वो चीज़ नहीं मिला। उन लोगों ने बोला कि अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आपको एक महीना वेट करना होगा, क्योंकि हम पहले ऑर्डर करेंगे। मैं गाड़ी अनुगुल से परचेज किया था, तो मैं अनुगुल शोरूम से थोड़ा कॉन्टेक्ट करने का कोशिश किया, क्योंकि एक्चुअल क्या होता है कि आप लोग गाड़ी जहाँ से परचेज करते हैं वहाँ पर आपका प्रायोरिटी ज़्यादा रहता है। तो मैं डायरेक्ट पहुँचा अनुगुल के शोरूम में। 4 दिन के बाद उन लोगों ने मुझे कॉल किया और बोला कि आपका चीज़ आ गया है। टोटल कितना खर्चा आया है वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। सब इसका डिस्क का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब आगे का विंडशील्ड का ही बस काम है। पहले देख लीजिए इतना ही बस दिख रहा है, अब विंडशील्ड लगने के बाद थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो ये लुक आप आखिरी बार देख लीजिए। फाइनली वो वक्त आ चुका है जब गाड़ी में विंडशील्ड इंस्टॉल होने वाला है। दे आर ओपनिंग द स्क्रूज फर्स्ट। सबसे पहले यहाँ पर दो क्लैंप लगा है दोनों साइड में, एडिशनल खरीदना पड़ता है विंडशील्ड के साथ। Thank you.
ये विंडशील्ड केवल ये गाड़ी पे नहीं, सब विंडशील्ड फिट हो रहा है एकदम, तो पूरा परफेक्ट तरीके से ये फिट हो रहा है। हाँ ये थोड़ा कॉस्टली था, उतने ज़्यादा भी नहीं था लेकिन कॉस्टली था, लेकिन मेरे गाड़ी को एक अलग लुक दे दिया, गाड़ी एकदम से चेंज हो गया और अब वो अच्छा दिखने लगा है। अब नेक्स्ट चीज़ के ऊपर हम जाते हैं, वो था गाड़ी के पीछे मुझे एक रैक चाहिए था, क्योंकि मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो एक्सपल्स में आप डिक्की नहीं लगवा सकते, वहाँ पर आपको पैनियस वगैरह लगाना पड़ेगा, वो बहुत कॉस्टली आता है। तो मैं तो ज़्यादातर सोलो ट्रैवल करता हूँ, तो इस वजह से मैंने सोचा कि पीछे एक रैक लगा दूँ जिसके ऊपर मैं बैग को माउंट करके कहीं दूर जहाँ पर जाना है मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने अमेजोन से वो चीज़ का ऑर्डर किया है, आपको अमेजोन का वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको ज़्यादा कहीं दूर जाने का ज़रूरत नहीं है। अगर वो अवेलेबल होगा तो आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं एक दूसरा लिंक भी देता हूँ, वो भी आपको मिल जाएगा, थोड़ा कॉस्टली रहेगा लेकिन वो जो रैक है वो बहुत अच्छा खासा है। एनीवे गाइस, तो अब चलते हैं देखते हैं कि वो इंस्टॉलेशन कैसा हुआ। सो गाइस, टुडे आई जस्ट रिसीव्ड ए प्लेट, दिस इज द रियर रैक प्लेट ऑफ एक्सपल्स 200T। आपके पास अगर एक्सपल्स 200 है तो आप भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये है जेसी क्राफ्ट का जिसको मैंने ऑर्डर किया है, अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, हो सकता है उनका स्टॉक ऊपर नीचे रहता है, प्राइस सेम रहता है। तो मैं इसका अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ आपके कैमरा के सामने कि इसके अंदर क्या आया है। सबसे अच्छा चीज़ है कि वो लोग उतना अच्छे से रैपिंग करके देते हैं कि आपका ये जो चीज़ है इसमें कोई स्क्रैच नहीं आता, पूरा सही सलामत पूरा आपका, इधर आप देख सकते हैं पट्टी वट्टी लगा के वो दिए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द प्लेट, यहाँ पर उन लोगों ने स्क्रू वगैरह भी दिया हुआ है, यहाँ पर चिपका हुआ है, इसको जाके मैं कल फिट करने वाला हूँ। मेटल हाँ, यहाँ पर दो लगे आप ओरिजिनल बोल्ड इसमें रख दो, ठीक है। अरे सब लाइन कर दे, थोड़ा बोल्ट शायद पीछे लगेगा, छोटा बोल्ट आगे लगेगा शायद। सीट हो गया, वीडियो 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 सब एक चाइना जी, ये इंस्टॉल कैसे हुआ दिखाना है लोगों को, ये गाड़ी के साथ नहीं आता ना, इनका फोटो ले लो, ओनर का फोटो ले लो। ये रॉस नहीं होगा ना यहाँ पर जो ये जगह है, नियन यहाँ पर बैग वगैरह कुछ रख के जा सकते हैं, इसमें डिक्की वगैरह इंस्टॉल नहीं हो सकता ना, तो इस वजह से ये लगाना पड़ता है यहाँ। तो ये जगह कौन सा है, आपका दुकान का नाम क्या है? मणिसोल सर, मॉडल इलेक्ट्रिकल वर्क। अच्छा, तो ये जगह कौन सा है? मणिसोल सर, मस्तान रोड, बक्सी बाजार। जी जी जी, बक्सी बाजार। तो अभी बक्सी बाजार में ये इंस्टॉल हो गया, एक्चुअली मेरे पास इसका जो LN की होता है वो मेरे पास नहीं था, तो इस वजह से यहाँ पर आके ये भाई ने मेरा मदद किया, तो ये इंस्टॉल हो गया फाइनली। नाइस, बहुत अच्छी तरह ये फिट हो गया है, ओके परफेक्ट, थैंक यू। एनीवे गाइस, एक्सपोज बहुत अच्छा चल रहा है, उसका आगे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, वक्त कम होने के कारण ज़्यादातर वीडियो आए नहीं है, आगे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर दीजिए, और अगर आपको कुछ बोलना है तो नीचे कमेंट में बोल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। सब सबर सारा खबर सबर कराए।